हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश मुलकप्रिया स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने सही सुना है कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। एसएससी की तरफ से सुबह से देखा जा रहा था कि सुबह ही अपडेट कर दे, पर एसएससी ने सुबह अपडेट नहीं करके जो रिजल्ट है वो शाम को टाइम अपडेट किया है, 5 बजे के बाद अपडेट किया है। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस है उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो भी वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों जी, यदि दिल्ली पुलिस में बात टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट दिल्ली पुलिस में 4600 टोटल पोस्ट थी, जिनमें से जनरल की थी 1557 और ओबीसी की थी 847। अगर टोटल यदि मेल की बात करें तो कितनी पोस्ट थी, 3115 टोटल पोस्ट थी। अगर फीमेल की बात करें तो 1554 टोटल वैकेंसी थी फीमेल की। अगर एसएससी के हिसाब से देखा जाए तो यह एग्ज़ाम कैसा था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था, जिनमें से 5/12 से 8/12 के बीच यह एग्ज़ाम हुआ था। और यदि एप्लीकेशन डाटा की बात करें तो 17,09,122 कैंडिडेट ने यह एप्लीकेशन डाटा करी, जिनमें से 1,95,000 का MT और PTE टेस्ट हुआ था, जिनमें से बाकी का क्या हुआ था, कंप्यूटर डेटा एग्जाम हुआ था, जिनमें से 1,83,047 वाले क्या हुए, कैंडिडेट क्या हुए इसमें अपीयर हुए हैं। अगर कैटेगरी लिस्ट की बात की जाए तो प्योरली एकदम 1,82,993 कैंडिडेट है, जिनमें से कुछ का रिजल्ट रोक दिया गया है कोर्ट के थ्रू। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो मेल की, इसमें से एससी के जो कैंडिडेट हैं उसमें से एससी के 19,856 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के 75,311 और एसटी के 13,547 कैंडिडेट क्या हुए, अपीयर हुए हैं। अगर टोटल की बात करें तो 1,48,896 क्या हुए हैं, टोटल अपीयर हुए हैं मेल कैंडिडेट में। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 34,097 कैंडिडेट टोटल अपीयर हुए हैं फीमेल में, जिनमें से एससी में 5,366 और एसटी में 3,791 कैंडिडेट सफल हुए हैं, जिनमें से ओबीसी में 14,810 और जनरल में 10,130 कैंडिडेट कितनी हुई है, फीमेल कैंडिडेट क्या हुई है, सिलेक्टेड हुई है। अगर इसमें नोटिफिकेशन देखा जाए तो जिनमें से 49 कैंडिडेट फोर्थ कैटेगरी में 49 कैंडिडेट हैं, उनका क्या हो गया है, उनका जो एसएससी के थ्रू से जो रिटर्न एग्जाम हुआ था उनका के कोर्ट के वजह से उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। और इसमें से 5 कैंडिडेट को क्या कर दिया है, एसएससी ने क्या कर दिया है, आउट कर दिया है, इनका रिजल्ट बिल्कुल तरीके से इनका ख़त्म कर दिया, क्योंकि बिल्कुल प्योरली इसमें किसी कारणवश में इनका रिजल्ट रोक दिया गया है। और दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट रिजल्ट अपने नंबर देखना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से वेबसाइट दी गई, वहां से आप अपने रिजल्ट और नंबर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो ज़्यादातर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल फेसबुक से पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके फ्रेंड, बाय एंड टेक केयर।